अब क्या हो रहा बोले तो नमाज पढ़ना बोलते, अब भी जरा बड़े बरसात आए तो क्या होता है मस्जिद में पानी आ जा रहा, कहीं बोलते रोड से भी नीचे है मस्जिदें, जो रोड लेवल है रोड के लेवल से भी, मैं देखा जो पुरानी मस्जिद है इनकी रोड लेवल से भी बहुत नीचे है। सो क्या हो रहा बोलते जरा बड़ा बरसात आ गया, जो बड़ा पानी आ गया तो भी मस्जिद में पानी आ जाना, नमाज पढ़ने के वाले नमाज पढ़ने को भी मुश्किल हो जाना। इसलिए ये गाँव वाले सब मिलकर क्या सोच रही बोले तो एक अच्छी मस्जिद, एक ऊंचे जगह पर एक अच्छी मस्जिद बन देना बोलकर एक सोच से सो ये काम शुरू कर रहे हैं। तमाम मुसलमानों से हम गुजारिश कर रहे हैं, व्यूज जो भी इस वीडियो को देखते हैं उनसे भी हमें तुंगभद्रा जमात की तरफ से गुजारिश कर रहे हैं, सब लोग हमारे मस्जिद के लिए ताउन करो। आपके चैनल के जरिए हम भी तमाम मुसलमानों को गुजारिश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक टू वाईएफटी तेलुगु व्लॉग्स। आज जो वीडियो कर रहे हैं, आज आके हमें मंत्रालय नियोजक वर्गम तुंगभद्रा बोलते से एक छोटे से ग्राम में है। सो आने का मकसद क्या है बोले तो जो ये गाँव में एक तुंगभद्रा जामिया मस्जिद के नाम से एक मस्जिद का तामीर तो हो रहा है। यहाँ पे जो जिम्मेदार देख रहे हैं ना यही गांव वाले हैं। पहले यहाँ मस्जिद तो है लेकिन यहाँ से छोटी सी मस्जिद, बाद में आके ये मस्जिद की हालात बहुत ख़राब है, लेकिन ये बारिश को पूरा पानी चीता है ऊपर से, ये शेड भी पूरा जंग पकड़ गया है। सो यहाँ नमाज़ पढ़ना भी बहुत तकलीफ़ रहने से ये सब जिले गाँव वाले सब मिलकर एक ज़बरदस्त मस्जिद बनाना बल्कि ख्वाहिश से सो एक मस्जिद से शुरू कर रहे हैं। बहुत से बहुत लोग अल्लाह के बंदे बहुत दूर से भी इस मस्जिद के लिए ताउन भी कर रहे हैं, फिर भी अभी ताउन की ज़रूरत तो है। पहले हमें आकर यहाँ पे मस्जिद की पहली छोटी जो मस्जिद थी उसकी मस्जिद हालात हम बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऊपर से बारिश आई तो पानी पड़ना, ये हालात बहुत ख़राब रहने से यहाँ पे जो ये लोग पीछे ठहरे ना ये मस्जिद नई भी बन रही है। पहले यहाँ से जिम्मेदार से बात करेंगे, यहाँ के पास ज़रूरत क्या है, क्या कंकर हो और सीमेंट हो ब्रिक्स हो क्या क्या ज़रूरत है बोल के पहले यहाँ के जिम्मेदार से बात करेंगे, उसके बाद मैं मस्जिद का पूरा हालात बताता हूँ। मैं छोटी हालत क्या है वो मस्जिद की, वो लीक है, पूरा लीक हो जा रहा है, बारिश आए तो भीग जाता है, पूरा पानी आता है, जमात बहुत बढ़ गई है, आबादी बढ़ गई है वो, अब उसके लिए जगह नहीं हो रही है, उसके लिए बहुत कम है, इसलिए बड़ी बनाना चाहते हैं हमें। करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद खलीफतुर्रहमान। ओके। ये 60 साल पहले एक मस्जिद बना के थे, सिर्फ 20 लोग उसमें नमाज पढ़ सकते थे। उसके बाद वो मस्जिद को हमारे बड़े में फिर जरा आबादी बढ़ने के बाद एक्सटेंशन करे, एक्सटेंशन करने के बाद वो मस्जिद के अंदर फिर एक 30 आदमी की मस्जिद एक्सटेंशन कर को 30 आदमी पढ़ने की सहूलत कर दिए थे। उसके बाद क्या है, उसके छत नहीं था, उसे शीट डाल के टेम्पो चला रहे थे। वो क्या है, हर 2 साल के बाद पूरे जंग लग जा रहे, बारिश आने के बाद पूरी मस्जिद भीग जा रही, अंदर पूरा पानी आ जा रहा। उसके बाद एक बार फ्लड आ गया था, फ्लड आने के बाद पूरी मस्जिद डैमेज हो गई। उसके बाद कोई भी मदद नहीं करे, ऐसा चला लेता जा रहे थे। 2 बार ऐसा चंदा करके पूरी मस्जिद की शीटान चेंज कर लिए, इसलिए हमारे 2-3 लाख खर्चा आया। ये दूसरी बार भी फिर चेंज कर दिए, हर 2 साल के बाद क्या है, दीवार के अंदर चौ तरफ के शीटान जंग लग जा रहे। अब ऐसा क्या करें, गाँव के जिम्मेदार बड़े लोग और सदर साहब बाकी जमात के लोग सब लोग ये डिसाइड करेंगे हमें मस्जिद नई मस्जिद ही बंधा लेंगे पीछे परमानेंट अच्छी मस्जिद बोल के इरादा करके नई मस्जिद का काम चालू कर दिया है। अभी काम अल्हम्दुलिल्लाह 15 लाख का काम हुआ है, अभी हमने सीमेंट की ईटा की और कंकर। अभी मस्जिद का कहाँ तक हो गया प्रेजेंट? प्रेजेंट अभी फाउंडेशन का हुआ है, आगे बेसमेंट लेवल तक कंप्लीट हुआ है काम। असल काम तो अब शुरू होने वाला है। इसके लिए हमने ताउन की ज़रूरत है। तमाम मुसलमानों से हमें गुजारिश कर रहे हैं, व्यूज जो भी इस वीडियो को देखते हैं उनसे भी हमें तुंगभद्रा जमात की तरफ से गुजारिश कर रहे हैं, सब लोग हमारे मस्जिद के लिए ताउन करो। आपके चैनल के जरिए हम भी तमाम मुसलमानों को गुजारिश कर रहे हैं। ज़रा हमने पहले जो आपकी मस्जिद थी अंदर का जो डैमेज हो, जो इतने बड़े तुम्हें फ्लड साहब बोल रहे हैं, हाँ जी, इधर वर्दा लाइन बोल रहे हैं, हाँ। वो आने से यहाँ पे मस्जिद का हालत कैसा चेंज हुआ ज़रा हमने बता सकते हैं क्या? इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे, अंदर जाने के बाद अंदर पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, बताते हैं। चलो। उसके बाद ये पूरी मस्जिद की हमारी डैमेज हो गई थी, इस डैमेज को हमें टेम्पररीली ऐसा मेंटेनेंस करके क्रैक हुए फिल करके ऐसा चला रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा चलते ही और दिन ब दिन पूरे मस्जिद के डैमेजेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा बारिश के वजह से जो भी बारिश आता ना वो पूरी मस्जिद कच्ची हो जा रही है, अंदर पूरा प्रॉब्लम हो जा रहा, नमाजियों को मुक्तदियों को पूरी दिक्कत हो रही रहे थे। इसलिए हमें अब नई मस्जिद भन को परमानेंट, ये जो फ्लड आया तो पानी नहीं आया जैसा हाइट बेसमेंट हाइट करना चाह रहे हैं, 4 फीट हाइट करें रोड लेवल से, 4 फीट हाइट करके मस्जिद हाइट करके जो भी फ्लड आए तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया जैसा परमानेंट मस्जिद बनने की इरादा कर। अब जो ये मस्जिद, ये जो नई मस्जिद बंधा रहे हैं, हमें ये अंदर जाके देखेंगे कहाँ तक काम चला है, क्या क्या इनके हालात क्या है, क्या क्या ज़रूरत है बोल के देख रहे हैं ना। यही है व्यू, यही है नवी मस्जिद बनाने का जो जगह है,
अब तो प्रेजेंट आके पिलर्स तो डाल रहे हैं और बेसमेंट काम भी चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। कई बोले तो यहाँ पे ये तुंगभद्रा नदी जाने से इनको कभी बहुत बड़ा बरसात आ गया बोले तो मस्जिद में पानी आ जाना, नमाज़ पढ़ने के लिए तकलीफ़ होना, बहुत से बहुत तकलीफ़ थी इनको। सो ये गांव वाले सब्जी ने मिलकर क्या है बोल लेना बोल रहे बोले तो एक परमानेंट मस्जिद, एक अच्छी ऊंची जगह पर एक अच्छी मस्जिद बन लेना बोल के, नमाज़ पढ़ने वालों को तकलीफ़ नहीं हुए जैसा अच्छी मस्जिद बन लेना बोल के ख्वाहिश से इन्हों ये मस्जिद बन जो नवी मस्जिद बन ले रही। मैं एक बात बोलना क्या बोल रहे हूँ बोले तो ये एक चैनल से आजकल हमारे घर में चार जिन्हें लोग रहे तो घर छोटा हुआ तो क्या समस्या बोले तो एक अच्छी घर बन लेना, एक ज़रा अच्छा डबल बेडरूम ट्रिपल बेडरूम घर बन लेना बोल के ख्वाहिश कर दी। लेकिन हमें ये मस्जिद है, गांव आबाद बढ़ रही है, मुसलमानों की तादाद भी बढ़ रही है, नमाज़ पढ़ने वालों में भी जज्बा ज़्यादा हो रहा है अल्लाह का काम करना, नमाज़ पढ़ना है। सो आने वाले के लिए मस्जिद छोटी होने से नमाज़ पढ़ना बहुत तकलीफ़ हो रहा है। इसलिए कि मैं अदमन गुजारिश क्या कर रहा हूँ बोले तो आजकल हमें घरों को बड़े कर ले जा रहे हैं लेकिन मस्जिदों छोटे हो जा रहे हैं। अपने घरों में ट्रिपल बेडरूम फोर बेडरूम्स फाइव बेडरूम्स कर लेके हमें बेहतरीन से आलिशान ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन मस्जिद तो ऐसी है हमारे छोटे से हमारे घर में एक बेडरूम के जैसा हो गई है मस्जिद। सो बहुत 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 दर्द ले रहा है आदमी को। कहीं बोले तो देखे तो घर बहुत बहुत आलिशान घर हम ले रहे हैं टाउन में देखे तो कहाँ भी देखे तो, लेकिन मस्जिदें ऐसे है कि अपने घरों में बेडरूम के जैसा मस्जिद हो गई। तो ये बात सुनकर बहुत दर्द होकर मैं ये चैनल में ये वीडियो बनाकर यहाँ के हालात बताकर आपके सामने रखना चाहता हूँ, रखा हूँ। जो भी जो इस वीडियो से जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं अल्लाह के बंदे जो भी देख रहे हैं उनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ से असल काम शुरू होने वाला है। ब्रिक्स हो और कंकर हो और एक सीमेंट हो और एक बात क्या है बोल तो बालू और क्या पत्थर जो भी यहाँ के अब आपके देख रहे हैं ना मजूरियाँ भी बहुत बढ़ गए हैं, एक एक जिन्हें को 1000 रुपये 800 रुपये। सो मैं बात का बोलना चाहता हूँ ये कि बहुत अमाउंट का ज़रूरत है इस मस्जिद वालों को, इस मस्जिद को। सो ये वीडियो की तरफ से कौन भी देख रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाइयाँ कहाँ तक कहीं बोलते हैं आजकल ये सोशल मीडिया की तरफ से बहुत लोग देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, हमारे YFT चैनल के स्क्रीन पर ये मस्जिद के जिम्मेदार इनके फ़ोनपे नंबर हो अकाउंट नंबर हो मैं इस पर डाल दे दूँ। मैं जो भी ताउन करना चाहते हैं इमीडिएटली नीचे फ़ोनपे नंबर डाल दूँ इस मस्जिद के जिम्मेदार के, नहीं तो उनके अकाउंट नंबर डाल दूँ। जो भी आप चाहते हैं ज़रा बेहतरीन से बेहतरीन अमाउंट इनको डाले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत में घर बन देता। क्या भाई हमें इतना ये दुनिया में आने का मकसद ही वही है, थोड़ा हमें जन्नत का काम कर लिए तो बेहतर रहता। तो एक 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 पत्थर भी एक ईंटा भी हमें इंशाल्लाह ये मस्जिद के लिए दे डाले तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए घर बनेगा। तो यहाँ पे अभी ज़रूरत क्या है करने का मैं यहाँ के लोगों से भी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सैयद अहमद। आप बताइए आपके तुंगभद्रे वाले हैं? हाँ। ज़रा ये यहाँ का हालात क्या क्या है, इतने पहले कैसा था, आप कैसा है, आपका आप ज़रूरत क्या है आपको यहाँ के मस्जिद के? यहाँ मस्जिद बनने के बाद 18 2 2 2 सब 9 9 आदमी एक त्रिशम छोटी सी बन के काम चला है जब पहले में। अब मस्जिद में जमात बढ़ी गई, नमाज पढ़ने वाले ज़्यादा गाँव बढ़ गया, ये सब को से सब लोग मिलके एक बनी मस्जिद बना लेंगे बोल के आगे बढ़े। नदी आज स्टम्प इधर फ्लड आया था ना, जब वो सब तगड़ा गिगड़ा सब कुछ को गए, अब नया बना लेंगे। एक टाइम बनाए 40,000 रखे, उस सामने 1,00,000 रुपये रखे वजू खाना, वहाँ से तहारत खाना, वहाँ से बाथरूम सब बनाए बना लिए। तो गाँव वाले के जरिए से सब के सहारे से सब मिल को बनाए, बनाने के बाद अब नई बड़ी बड़ी मस्जिद आले बनेंगे बोल के कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्त जरा ऊंचा बनाना बोल, जब बिल्कुल नीचे आती अब ऊंचा बनाना बोल के ख्वाहिश से मस्जिद ख्वाहिश से बना रहे। आप हमारे चैनल की तरफ से अल्लाह के बंदों को क्या गुजारिश करते हैं? लोग बंद करते एक पत्थर दिए तो भी मस्जिद को सवाब है, एक कंकर उठा के डाले तो भी सवाब है, आपके जितना है सेवा उतना मदद करो बोल के एक अकाउंट नंबर है मस्जिद का, वो अकाउंट नंबर देते वो नंबर को भेज पैसे मदद। यहाँ के इस मस्जिद के इमाम साहब भी है, उनसे भी बात करेंगे यहाँ के हालात क्या है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तमाम हजरात से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस YouTube चैनल से हमारे लिए ख़ासकर तवज्जा दे रहे हैं, जो भी देख रहे हैं इंशाल्लाह उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी इस मस्जिद में हम यही मस्जिद में बचपन में पढ़े हुए हैं और पढ़कर इसी मस्जिद में हमें अल्लाह का फजल करम इसमें इबादत भी गुजारी। तो आज मैं यहाँ का इमाम होने के
नाते और ये हमारी मस्जिद में जो पानी वगैरह आया था नदी का, तो उसमें बहुत दिनों तक नमाज भी नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नमाज नहीं होना हमारे लिए बहुत बड़ी ना इसकी बात है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी मस्जिद जितनी छोटी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे गांव के लोग हैं बड़े बुजुर्गान दीन, वो सोच समझ कर हमारी इस मस्जिद की तामीर के लिए और काम के लिए सब आगे बढ़े हैं। नौजवान वगैरह जो हमारी इस मस्जिद का जो काम चल रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोग साथ दिए हैं, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इंशाल्लाह इस मस्जिद के जो काम देख सकते हैं, अतराफ जो पिल्लर्स वगैरह 20 डाले हुए हैं और भी काम चल रहा है, ये इसको बेस मडम तक काम चला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के घर को एक रुपया ताउन करने के सवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 बुलंद दर्जे अता फरमाता है, ताकि आप एक ईंट की भी मदद कर देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद क़ुरान में भी और अहदीस मुबारक में भी आया है, जो अल्लाह की बारगाह में एक रुपया या एक ईंट के अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे रोज़े महशर में जन्नत में आला सा मकाम, एक ऐसा जन्नत में घर अता फरमाता है कि उस एक ईंट के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हमारी इस मस्जिद की ईंट के बदले में उसे वहाँ पे आलीशान का मकान अता फरमाता है। और ख़ासकर मैं ये तवज्जो देना चाहता हूँ कि आज हमारी इस मस्जिद, इस गांव की मस्जिद में बहुत आबादी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज को लोग आते हैं, और जगह बहुत कम पड़ती है हमारे लिए, तो हमारे बड़े लोग सोचे कि मस्जिद ज़री बड़ी बने और ऊँचाई में बने, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो शुरू हुआ है। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तमाम हजरात ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि जो भी हमारे इस चैनल से देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इस मस्जिद को ताउन करके तमाम हजरात सवाब दाल हासिल फरमाएँ। यहाँ के लोग बोलने का मकसद क्या है बोले तो, यहाँ पे जो नदी है 2009 में यहाँ का बहुत बड़ा फ्लड्स ऐसा फ्लड आया कि लोग गवां को छोड़कर बाहर दूसरे गवां को चले गए। ऐसे मौके पर अब क्या हो रहा बोले तो, नमाज पढ़ना बोलते अब भी ज़रा बड़े बरसात आए तो क्या होता है, तो मस्जिद में पानी आ जा रहा, कहीं बोलते रोड से भी नीचे है मस्जिदें, जो रोड लेवल है रोड के लेवल से भी मैं देखा, जो पुरानी मस्जिद है इनकी रोड लेवल से भी बहुत नीचे है। सो क्या हो रहा बोले तो, ज़रा बड़ा बरसात आ गया, जो बड़ा पानी आ गया तो भी मस्जिद में पानी आ जाना, नमाज पढ़ने को भी मुश्किल हो जाना। यहाँ पे ये गांव वाले सब मिलकर क्या सोच रहे बोले तो, एक अच्छी मस्जिद, एक ऊंचे जगह पर एक अच्छी मस्जिद बन लेना बोलकर एक सोच से सो ये काम शुरू कर रहे हैं। जो भी अल्लाह के बंदे हैं, जो भी मस्जिद की ताउन करना चाहते हैं, जो इस स्क्रोल पर जो स्क्रीन पर इस मस्जिद का अकाउंट का नंबर या यहाँ के जिम्मेदार इनका फ़ोनपे नंबर भी इंशाल्लाह देंगे, उस पर आप बेहतरीन से बेहतरीन ताउन करिए, क्योंकि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में आला मकाम आला दर्जा अता फरमाए।